हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आज फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा अपने गार्डन का व्यू दिखाऊंगी इस समय, और कुछ आप लोगों से बातें करूंगी, और एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जिसको लगाना बहुत आसान है, और मतलब उसको आप कभी भी लगा सकते हैं। तो ऑल सीजन का प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है उसको, विदाउट खाद और कम पानी में भी वो प्लांट जो है बहुत अच्छे से चल जाता है। और उसको मतलब ज़्यादा धूप अगर आपके यहाँ नहीं आती है तो भी उस प्लांट को आप लगा सकते हैं जो है। तो इस समय देख रहे हैं मेरे शाम का समय है, इसमें शाम के 5 बज रहे हैं, और इसमें मतलब आसमान में बादल भी बने हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग। 4-5 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 4-5 दिन क्या और ही हो गया है, काफ़ी दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो सुबह मैंने अपने सभी गमलों में पानी डाला, और बादल तो बने हुए लेकिन पानी बरस नहीं रहा इस समय। और इस समय देख रहे हैं मैं गुलाब में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, ये देख रहे हैं आपको कितना प्यारा लग रहा है गुलाब। और कुछ यहाँ देखिए फूल सूखे हुए हैं, तो इन सबको मुझे पिंच करना है, और अभी विंटर की मुझे जो तैयारी भी करनी है, इन सब की कटाई छटाई भी करनी है, देख रहे हैं आप लोग। वैसे तो पौधे की कटाई छटाई का कोई सीजन नहीं होता फ्रेंड्स, आप कभी भी कट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे कोई टाइम मतलब फिक्स करके नहीं रखा कि मुझे ये सीजन में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जब भी मुझे लगता है कि अनवांटेड ब्रांच निकल रही है तो उसको मैं कट कर देती हूँ। और यहाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी कलियाँ आ रही हैं, देख रहे हैं बीच में पिंक और इस तरह से वाइट। अभी फूलों का साइज भी बढ़ेगा, जैसे जैसे ठंडी आपकी बढ़ेंगी आएंगी वैसे वैसे देखो फूलों का साइज बढ़ जाएगा, और ये पूरा गुच्छों में आएगा। और दो ही प्लांट है फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से शाम के समय देखिए गुलाब के फूलों की बहार मेरे गार्डन में। तो चलिए फ्रेंड्स टॉपिक पे आते हैं और बताते हैं मैं ऐसे प्लांट के बारे में जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, किसको लगाना बहुत आसान है, और उसको आप किसी भी मतलब किसी भी प्रकार की मिट्टी में और कहीं पर भी लगा दीजिए, बहुत आसानी से चल जाता है, मतलब कम केयर वाला प्लांट। तो वो ये प्लांट है फ्रेंड्स कोलियस का, ये देख रहे हैं आप लोग, ये कोलियस का प्लांट दिखने में तो बहुत खूबसूरत होता है फ्रेंड्स। और इसको आप जो मतलब कटिंग से लगा सकते हैं, वैसे सीड्स शायद बनते नहीं है, इसके बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक सरसों के फूल होते हैं ना, उस तरीके से फूल होते हैं। तो उसको मैंने कभी बीज से उगाया नहीं है, ना मैंने उसमें कभी देखा, इसको ज़्यादातर तो मैं कटिंग से ही लगाती हूँ। और ये सारे प्लांट्स जो मैं आपको दिखाती मैंने कई जगह पर भी लगाई हूँ, ये सारे मेरे कटिंग से लगाए हुए प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। और इसको आप चाहे बोतल में प्लास्टिक के जो आता है ग्रो बैग आता है, या फिर आपको छोटे छोटे जो कप हो किसी में कहीं भी लगा के रख दीजिए फ्रेंड्स, बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। और इसको पानी में भी लगा सकते हैं आप, ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी है, कम अगर आप कम पानी दे रहे हैं और ज़्यादा धूप आपके यहाँ नहीं आ रही है, इसके पर प्लांट को लगा दीजिए मिक्स एंड मैच करके, थोड़ा सा ग्रीन और पर्पल दिखे जैसे मिक्स करके मैंने लगाई हूँ, तो दिखने में तो आपके घर की शोभा भी बढ़ाएंगे और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और मतलब बोलते कम केयर वाला पौधा जो है, तो ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स, और इसको मैंने कई जगहों पर भी लगाया है जो है, और ये बहुत आसानी से भी लग जाता है। अगर इसको आप लगाना है तो आप यहाँ से इतनी छोटी सी कटिंग कट करिए, और इसके नीचे से थोड़ी सी ब्रांच मतलब पत्तियाँ जो इसकी निकाल के और डायरेक्ट मिट्टी में ऐसे लगा दीजिए, फिर देखिए आपका कुछ दिन में अपने आप जो है ये मतलब इसकी जो रूट्स हैं वो आ जाएंगी, और बहुत जल्दी फैलता भी है फ्रेंड्स। और आपका जब थोड़ा सा इतने बड़े से बड़े हो जाए तब थोड़ा सा आप कट कर दीजिए, और जितने कट करेंगे उतना ही बूसी होता जाएगा, और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप शायद मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाई हूँ जो है, और उसमें बाल्टी में मेरा लगा हुआ प्लांट काफ़ी जो इसकी हाइट है बहुत ज़्यादा है, तो मेरा वो प्लांट खराब होकर सूख गया था, तो मैंने कट करके कई जगहों पर भी लगाई, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, कुछ मैंने ग्रो बैग में भी लगाई हूँ, ये देखिए। तो थोड़ा शायद पिक्चर की क्वालिटी ठीक नहीं आ रही क्योंकि शाम का समय है, शाम के 5 बज रहे हैं। और यहाँ ये देखिए मेरे मिठाई का डब्बा है, इसमें खाली पड़ा हुआ था मिट्टी डाल के मैंने इसको यहाँ पर भी लगा दी हूँ मैं, और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए मैंने सदाबहार के साथ में भी लगा दी हूँ, और कई जगहों पे मैंने लगाया फ्रेंड्स। एक्चुअली मैंने प्लांट जो है मुझे बहुत पसंद है, एक तो इसको ग्रीन के पत्तियों के बीच में अगर रेड कलर का लगा दूँ ना तो थोड़ा गार्डन का एक लुक ही चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पर भी, और आपको मैं साइज भी दिखाती हूँ गमले का, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे देखिए तेल का डब्बा है, और इसमें मैंने कलर करके इस तरह से लगा के बीच में रखती हूँ, अभी साइड से ग्रीन और बीच में ये थोड़ा मरून जो है। तो इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको कटिंग से लगाइए, और ये कई कलर में भी आता है, पिंक में भी आता है, ग्रीन में, और आपका मरून में, और शायद रेड में भी आता है, फिलहाल तो मेरे पास एक ही है ये। तो इसको केयर कैसी करनी है, जैसे विंटर आ रहा है जो है, तो इसको आप 1-2 घंटे की धूप दे देंगे ना फ्रेंड्स तो भी बहुत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रेंड्स इसको गर्मी में होती है, अगर आपके यहाँ धूप ज़्यादा आ रही है, मतलब जैसे खुले आसमान के नीचे हम लगा नहीं देते हैं ग्राउंड में या फिर डायरेक्ट टेरेस पे, तो होता क्या है कि इसकी जो पत्तियां हैं साइड से ना ये पूरी बर्न होने लगती हैं, और पौधा आपका जो है सारी पत्तियां जो मतलब चल नहीं पाता है। तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि कम केयर वाला पौधा है, इसको कम धूप में अगर 2-3 घंटे की धूप दे देंगे और नहीं 1 घंटे की धूप दे देंगे ना तो भी पौधा बहुत आसानी से चल जाएगा, ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती फ्रेंड्स। और आपको दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर, अगर इसको यहाँ पर फुल सनलाइट मिलती अच्छे से तो ये पौधा जो है
ये देखिए यहाँ पे झाड़ियों के पीछे में छिपा हुआ है मिर्ची के, देख रहे हैं इसकी पत्तियों का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। और ये इसी की कटिंग है फ्रेंड्स, ये जो मैंने कटिंग लगाया है ना इसी की कटिंग है जो है। और ये एक्चुअली क्या छिप गया है, इसको डायरेक्ट धूप मतलब अच्छे से धूप नहीं मिल पाई, तो इसकी पत्तियों का कलर देखिए और इसकी पत्तियों का कलर देखिए। तो अगर सनलाइट अच्छे से मिलती तो इसकी पत्तियों का भी इस तरह से कलर डार्क में होता, जबकि ये इसी की प्लांट का है। मैंने इसी की कटिंग जो है जगह जगह पर इस तरह से कट करके जो है लगा दी हूँ। तो इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और थोड़ा सा सेंड उसमें मिला दीजिए, मिट्टी मतलब इस तरह से मिट्टी बनाइए कि पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। ड्रेनेज होल का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ड्रेनेज होल अच्छा होगा और उसमें पानी नहीं रुकेगा तो आपका पौधा जो है ये ख़राब नहीं होगा। और इसको आप कहीं पे भी लगाइए और एक दो घंटे की धूप जो अगर इसको मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। मतलब अगर आपके बालकनी में या ग्राउंड में अगर लगाना चाहते हैं, अगर आप बालकनी में लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप एक घंटे दो एक या दो घंटे आधे घंटे के मिल जाएगा तो भी फ्रेंड चल जाएगा, आपका पौधा जाएगा नहीं। एक बार इसकी आप कटिंग लगा देंगे ये पौधा जो है आपके पास में हमेशा बना रहेगा। और एक बार इसको लगाए तो आप एक प्लांट से आप हजारों प्लांट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी छोटी छोटी एक प्लांट लगा दीजिए, उसके बाद फैलते जाएगा, आप छोटी छोटी कटिंग करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आप चाहिए तो आपके पास स्पेस है तो आप बोतल में इस तरह से पॉट में मिट्टी के प्लास्टिक के जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें लगा दीजिए, और आपको नहीं जरूरत है तो आप किसी को गिफ्ट दे दीजिए वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि ये कलरफुल पत्ती वाला प्लांट दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे तो प्लांट बहुत पसंद है फ्रेंड्स, इसमें जो ना छोटे छोटे जो फूल निकलते हैं विंटर में वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो इसलिए मैं इसको हमेशा देखिए हर गमले के बीच में इस तरह से मैं रेडर करके लगाई। देखिए वहाँ कोने में आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा क्योंकि शाम का समय है, ये देख रहे हैं वहाँ पे एक ग्रीन ग्रीन है, इसको एक्चुअली धूप नहीं मिल पा रहा। अब मेरे आंगन में धूप उतनी आती नहीं कि जैसे जैसे ठंडियों का सीजन आएगा वैसे वैसे मेरे आंगन में धूप कम हो जाएगी। तो इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप जो है लगाइए और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स, और बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। तो और कई कलर में भी आता है, तो अगर किसी आपके फ्रेंड के पास में है तो आप इसको वहाँ से थोड़ी सी कटिंग ले आइए, अगर नहीं है तो फिर आप नर्सरी से भी ले सकते हैं, कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग ले आकर आप इसको लगा दीजिए। और बस इतना ध्यान देना है कि फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा पानी मत डालिए, ज़्यादा पानी डालने पर इसकी जो टहनियाँ हैं गल जाएंगी। तो बस ये बताना था फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपका मुझे सुझाव चाहिए कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, तो मुझे इस तरह से वीडियो बनाने में और खुशी होगी फ्रेंड्स, कि मुझे मालूम तो पड़ेगा कि मेरे व्यूवर्स जो है किस तरह से वीडियो मतलब मेरे लिए वीडियो पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसमें हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है फ्रेंड्स कि हाँ हमारी वीडियो में क्या कमी है क्या नहीं है, लोग क्या देखना चाहते हैं, तो हमें भी वीडियो बनाने में आसानी होती है। तो आप अपने सुझाव और अपने कमेंट जो है जरूर बताइए मतलब दीजिएगा हमको, तो हमको आप वीडियो बनाने में सुविधा हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड इवनिंग।